ओके okay, तो हम लोग आई थिंक फंक्शन पे डिस्कशन चल रहा था। ये क्या आने लगा भैया, पर्सनलाइज ऑफर एंड डिस्काउंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट लोन पर्सनलाइज, थैंक यू, वी वैल्यू एंड रेस्पेक्ट योर प्राइवेसी। ठीक है, हम लोग की जो गाड़ी रुकी थी, फंक्शन चैप्टर शुरू किए थे और जो गाड़ी रुकी थी वो प्रोटोटाइप पे आके रुकी थी, यस सर। ठीक है, जिसमें दो तरह की बात हो रही थी, एक डिक्लेरेशन और एक डेफिनेशन। ठीक है, यानी घोषणा जो किया जाता है उसे डिक्लेरेशन कहा जाता है, और जो घोषणा करके अमल कर दिया जाता है, मतलब उसको अमल में लाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल एक समझाए थे कि जैसे मिनिस्टर लोग जो है पुल बनाने का, पुल निर्माण का घोषणा किए, शिलान्यास किए, तो वो डिक्लेरेशन है, ठीक है, लेकिन जब काम होने लगा, काम चलने लगा और पुल बन गया, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन, ठीक है, दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, कभी कभार डिक्लेरेशन ना भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन कभी कभार डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड भी है। डिक्लेरेशन इसलिए रिक्वायर्ड है कि एक सर्टेन जगह पे अगर शिलान्यास किए हैं तो पुल का निर्माण वहीं से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जमीन जगह प्लेस करना होता है, किस जगह से शुरू करना, ठीक है। अगर हम ऐसा ना करें, डिक्लेरेशन ना करें और एक सर्टेन पोजीशन बना के भाई यहाँ पे पुल निर्माण होगा, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, इंजीनियर को दे देते हैं, ठीक है, तो इट मे बी कि जिस प्लेस को हमने सेट किया है, ठीक है, उस प्लेस से 10 कदम पहले या 10 कदम बाद उसने स्टार्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक यस है। सर। इसलिए पहले प्रारूप बना के एक डिक्लेरेशन कर दिया जाता है कि यही वो जगह है जहां पे पुल निर्माण होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दोनों का एक अपना इम्पोर्टेंस है, हमें इसी दो इम्पोर्टेंस को फंक्शन के व्यू पॉइंट से भी समझना है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप जो वर्ड है वो एक्चुअली एक डिक्लेरेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। एक मैं थोड़ा थोड़ा चाय भी पीते रहता हूँ। सर जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं सर उसी को प्रोटोटाइप कहेंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, अस्पष्ट कोई चीज नहीं रखेंगे, सब चीज बता देंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ है और कहाँ नहीं भी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप इज द सिंगल लाइन डिक्लेरेशन, सिंगल लाइन डिक्लेरेशन अबाउट फंक्शन। That tells to compiler
सर्टेन फंक्शन इज डिफाइंड ठीक है। ये क्या बताता है प्रोटोटाइप? सिंगल लाइन डिक्लेरेशन है। कितने लाइन में होगा ये जब भी होगा? सिंगल लाइन में ये डिक्लेयर होगा। सिंगल लाइन डिक्लेरेशन अबाउट फंक्शन, फंक्शन के बारे में सिंगल लाइन में बताता है किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर को बताता है। क्या बताता है? कि भैया ये सर्टेन फंक्शन है, ये प्रोग्राम के एरिया में ही कहीं ना कहीं इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी प्रोग्राम एरिया में ही डिफाइंड किया गया है। तो अगर हम फंक्शन यूज करें, ठीक है, तो आपको हमेशा हेडर फाइल में जाके नहीं खोजना है, बल्कि प्रोग्राम एरिया में भी खोज लेना है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आगे हम लोग दो अप्रोच पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि प्रोटोटाइप इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन by using top-down approach. ठीक, इसके बाद बताने वाले हैं आपको। ठीक है, ये कहता है कि इसकी जरूरत तब हमेशा रहेगी, ठीक है, जब हम इसे किस अप्रोच के तहत यूज करना चाहेंगे? टॉप डाउन क्या है आगे सिखाते हैं। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप declaration may as declaration as, ठीक है, कैसे करेंगे? तो कहता है कि जो भी आप फंक्शन बनाएंगे उसका रिटर्न टाइप बताइए, है कि नहीं है, नहीं है तो void लिखिए। सिंगल लाइन डिक्लेरेशन में फंक्शन का नाम बताइए कि फंक्शन का नाम क्या होगा और फंक्शन में किस किस तरह के पैरामीटर होंगे भी कि नहीं होंगे और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, लास्ट में क्या लगाना होगा? सेमीकोलन। ये एक तरीका हुआ प्रोटोटाइपिंग करने का। अब इस तरीका को लेके जब फंक्शन प्रोटोटाइप के टाइप्स पे आते हैं, वो चार तरह का होगा। कितना तरह का? फोर टाइप। ठीक है, हमारी जरूरत इनमें से किसी की भी हो सकती है।
पहला क्या है, कह रहा है नो रिटर्न, फंक्शन नो पैरामीटर्स, बैटरी लगाना हुआ, हमको एक मिनट दीजिए। ठीक है, नो रिटर्न फंक्शन नो पैरामीटर, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग है जिसमें रिटर्न टाइप भी हम नहीं दे रहे हैं और ना ही पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज मान लीजिए कि हम लिखते हैं void, ऐसे समझने के लिए एक सम और ब्रैकेट में लिख देते हैं void, तो हम पैरामीटर को इस लाइन से क्या बता रहे हैं, सॉरी हम कंपाइलर को इस लाइन, इस प्रोटोटाइप से क्या बता रहे हैं कि कंपाइलर सुनो, इस प्रोग्राम में सम नाम का एक फंक्शन है, कहीं पे डिफाइन है, हेडर फाइल में ना मिले तो प्रोग्राम में खोज लो, देख लो, और ये जो फंक्शन तुमको मिलेगा इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है, और कोई पैरामीटर भी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। बस इस लाइन से कंपाइलर इतना ही, क्या हो रहा है, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, ओके आ रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, जो मैंने बोला वो समझ में आ गया? यस सर। यस सर, ठीक, यानी इस लाइन से क्या समझेगा कि सम नाम का एक फंक्शन है, कंपाइलर समझेगा, जिसमें ना कोई पैरामीटर यूज हो रहा है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू हो रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे वो डिपेंड करेगा हमारी जरूरत पे, जो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, सेकेंड नंबर में कहता है नो रिटर्न, रिटर्न नहीं है और कोई भी फंक्शन होगा लेकिन पैरामीटर्स होगा। अब वो एक हो, दो हो, दस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पैरामीटर्स होंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर अगर मान लीजिए कि दैट इज, अगर मैं लिखूं void sum और ब्रैकेट में लिख दूं int कॉमा int, ये प्रोटोटाइपिंग करके दूं, तो कंपाइलर क्या समझेगा कि एक सम नाम का फंक्शन है जिसमें रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा ये फंक्शन, लेकिन इसमें दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर वैल्यू आएंगे। कितने टाइप के, किस टाइप के? इंटीजर टाइप के वैल्यू। पॉइंट क्लियर? यस सर। थर्ड वन इज कि रिटर्न करेगा फंक्शन और इसमें नो पैरामीटर्स होगा।
दैट इज मान लीजिए कि आई एन टी लिखते हैं, सम लिखते हैं और अंदर में क्या दे देते हैं, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कंपाइलर को यह बता रहे हैं कि सम नाम का एक फंक्शन है, सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर वैल्यू आ नहीं रहा है, लेकिन ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर? हाँ करते रहिए बीच में। यस सर। यस सर। यस सर। क्या बता रहा है ये फंक्शन? ये फंक्शन कंपाइलर को बता रहा है कि मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं आएगा, कोई नहीं है मेरे को जब यूज। आवाज कट कट जा रहा है। नो सर, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। नो सर, आपका आवाज क्लियर। सर उसका प्रॉब्लम हुआ। कभी जिसका होगा तो कट सकता है, ठीक है? अगर सबके साथ दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत है। क्लियर है सर। तो सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर वैल्यू इस फंक्शन को नहीं आएगा, लेकिन ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है? और फोर्थ, फोर्थ में हो गया रिटर्न फंक्शन एंड पैरामीटर्स। That is int sum int comma क्या int ठीक है। तो ये compiler को क्या कह रहा है कि compiler sum नाम का एक function है जिसमें दो integer parameter values आएंगे function को और एक integer value return भी करेगा। यस। पॉइंट क्लियर? ठीक है। यस सर। अब ये टोटल ये चार ही तरह के बन सकते हैं फंक्शन, चाहे हम किसी चीज का भी फंक्शन क्यों ना बनाएं। अब कौन सा फंक्शन हम कहां बनाएंगे? कभी कभी कोई फंक्शन मिलेगा हमको लगेगा चारों पे सेट हो सकता है, ठीक है? तो क्या चारों पे बना दें? ठीक है। यहां पे हमें जो चुनाव करना होगा वो चुनाव जरूरत के हिसाब से करना होगा। किसके हिसाब से करना होगा? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि सामने वाला की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? या सामने वाले के रिक्वायरमेंट में सिक्योरिटी का किसमें बेहतरी हो, ये सारा सोचना होगा और सोच के सेट करना होगा। क्योंकि कभी कभार कोई प्रॉब्लम हमको लगेगा कि अरे चारों पे बन जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या चारों पे बना देना सही रहेगा? नहीं, हमको किसी एक का ही चुनाव करना होगा। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाँ, जहां तक अगर सबसे ज्यादा यूज होने वाली बात है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो वो सेकेंड नंबर और क्या मिलता है? यानी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो सबसे झट से सेट हो जाए वो नंबर सेकेंड और नंबर फोर्थ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर वन और नंबर थ्री नहीं हो सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे कि हमें लगता है, ठीक है, कि सब सब पे बन जाएगा, ठीक है? और ये वाला ऐसा टाइप है, ठीक है, जिसमें हर प्रोग्राम को आप फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला वाला जो टाइप है। यस सर। कोई भी अभी तक जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको किसमें कन्वर्ट करना हो, अगर फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आराम से पहला वाला इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? तो हर एक का इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेकेंड और फोर्थ का है। और किसका चुनाव करें, किस प्रोटोटाइप पे हम फंक्शन को डिफाइन करें, ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है, या प्रॉब्लम की डिमांड कैसी है। पॉइंट क्लियर सर? yes, एक प्रॉब्लम था सर। यस yes, सर। जैसे फोर नंबर में रिटर्न फंक्शन विद पैरामीटर है, तो यहाँ पे पैरामीटर हम दो पास कर रहे हैं, और अगर रिटर्न भी अगर दो करना है तो नहीं, नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन का नेचर होता है हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। कितना वैल्यू करता है? एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराना है तो वो संभव नहीं है, ठीक है? और अगर इसे संभव कराना होगा तो फंक्शन के नेचर से तो नहीं होगा,
किसी और तरीका से जाना होगा तो आगे आपको पॉइंटर वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो वहां से कुछ कुछ आप ये सब कंसेप्ट ला सकते हैं। फंक्शन हमेशा कितना वैल्यू रिटर्न करता है? एक वैल्यू, बस दो कभी नहीं करता। सर अगर यहाँ पे अगर पैरामीटर हमारा एक इंटीजर है और एक हम लेते हैं अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग या फ्लोट टाइप अगर, तो इसमें ये हम आपका निर्धारण करना होगा कि आप जो ला रहे हैं उसमें वैल्यू रिटर्न किस टाइप का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता है। डेटा टाइप नहीं है। आप स्ट्रिंग ला सकते हैं पैरामीटर से, पर आप स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं करा सकते। फ्लोट तो करा सकते हैं सर, अपलोड करा सकते हैं, लॉन्ग करा सकते हैं, डबल करा सकते हैं, कैर करा सकते हैं। लेकिन सर अगर डिफरेंट पैरामीटर है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सर रिटर्न कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। आप लाइए इंटीजर रिटर्न करा दीजिए कैरेक्टर, आप लाइए कैरेक्टर रिटर्न करा दीजिए इंटीजर, वो तो आप पे निर्भर करता है। यस सर। अभी सब बोले ना कि ये सारी चीज आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके थैंक यू, ठीक है। आप लाइए यहाँ पे, इसको बना दीजिए फ्लोट और इसको कर दीजिए आप इंट, ठीक है। मान लीजिए कि डिव आप टाइप कास्टिंग करके रिटर्न करना चाहते हैं, और ये बना लिए हम क्या डिव नाम का इंट कोमा क्या, तो ये किस टाइप का हो गया? दो टो इंटीजर आएगा, अंदर डिवाइड करेंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे और टाइप कास्टिंग करके फ्लोट वैल्यू क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। आ गया समझ में? यस सर। ये तो डिपेंड करेगा कि हमको कैसे बनाना है, ठीक है। ओके अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज फंक्शन अप्रोचेस, ठीक है। फंक्शन अप्रोचेस मीन्स how to access the function and where to access after defining. Clear? Function approaches also provides the way to where we can define our function within program. ठीक है,
इच इट रेकमेंड्स इट्स रेकमेंड टू कंसेप्ट टू डिफाइन और एक्सेस द फंक्शन. आवाज आ रही है? यस यस सर. पता है कि दो दो कंसेप्ट है इसके द्वारा. वो दो कंसेप्ट कौन कौन सा है? तो पहला कहता है, फर्स्ट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. पहले अप्रोच का नाम क्या है? टॉप डाउन अप्रोच. अच्छा, हम चाहे कितना भी फंक्शन बना लें, जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वो किस फंक्शन को ढूंढेगा रन करने के लिए? मेन फंक्शन. मेन को सर. वेरी गुड वेरी गुड. मेन को ढूंढेगा. वेरी गुड. तो कहता है कि इन टॉप डाउन अप्रोच first define first define your UDF function then after lastly define galat ho gaya. First define your kya main function, then after then after define the UDF function. उसके बाद किसको डिफाइन करना है? क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहले किसको करना है? मेन फंक्शन. मेन फंक्शन. सबसे पहले प्रोग्राम में क्या दिखना चाहिए? मेन फंक्शन. उसके बाद यूजर डिफाइन फंक्शन UDF दिखना चाहिए. ठीक है. पर नियमतः किसी भी UDF को बनाएंगे, कुछ भी कर ले, लेकिन यूज तो ओवरऑल लास्टली हमको मेन में ही करना है ना. यस सर. भले हम 10 में 9 को नेस्टेड कर दें, एक दूसरे के साथ कॉल कर लें, लेकिन कोई एक तो ऐसा होगा ना जिसको हम कॉल करें तो बाकी 9 का चैनिंग हमको पकड़ा जाए. तो हमको तो हर हाल में फंक्शन को यूज करने के लिए किस में यूज करना होगा? मेन में ही करना होगा. मेन में. ठीक है. बिना मेन में ये किए तो मेरा काम होने वाला नहीं. नहीं है. अरे हम भले फंक्शन मान लीजिए हम 3 बनाए हैं. ठीक है. अब फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है, तो कम से कम हमको मेन में फंक्शन 1 को तो कॉल करना होगा ना. यस 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 सर. हम तीनों को ना करें, हम एक ही को करें. तो कहता है कि मेन का एक रूल है कि मेन जब एग्जीक्यूट करता है तो अपने अंदर कुछ भी डिफाइन होता है उसका डेफिनेशन वो कहां खोजता है? अपने बताए थे, अपने ऊपर. अपने ऊपर. ऊपर. और अपने ऊपर उसको क्या मिलेगा? हेडर फाइल. हेडर फाइल मिलेगा. तो हेडर फाइल में जाएगा, खोजेगा, प्रिंटएफ स्कैनएफ तो मिल जाएगा, लेकिन हमारा यूडीएफ तो उसमें नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. ठीक है. तो उस केस में ये दे देगा एरर. क्या दे देगा?
एरर, एरर देगा, उस केस में ये जनरेट करेगा एरर। क्लियर? ठीक है, ये एरर ना आए और हम कंपाइलर को ये बताएं कि तुम अपने डिफॉल्ट बिहेवियर से जो ऊपर हेडर फाइल में खोज रहे हो तो ठीक खोज रहे हो, लेकिन वहां मेरा फंक्शन थोड़ी है, मेरा फंक्शन तो बाद में है। ठीक है, इस चीज को बताने के लिए, ये एरर बंद करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करना आवश्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा सर कंपाइलर, आवश्यक मतलब देना ही पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग the top down approach of the function, then you have to first write your function prototype, then after use the function. Yes sir. ठीक है, यानी function के use करने के पहले function का prototyping कर देना होगा, तभी वो आपके program में आके ढूंढेगा, नहीं तो वो सिर्फ header file में ढूंढ ढूंढ के छोड़ देगा। समझ गए? और वहां मिलेगा नहीं तो error दे देगा। मैं इस बात की practically पुष्टि कर दूंगा, आपको run करा के दिखा दूंगा इस चीज को। ठीक है, यस सर। तो इन टॉप डाउन अप्रोच, फर्स्ट डिफाइन योर मेन फंक्शन, देन आफ्टर डिफाइन द यूडीएफ फंक्शन। ठीक है, फिर कहता है द नेचर, द डिफॉल्ट नेचर of compiler to see all the definition, all the used function definition, used function definition above, above मतलब ऊपर सर, ठीक है, क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट नेचर क्या है कि कंपाइलर टू सी ऑल द यूज्ड फंक्शन डेफिनेशन अबव द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। ठीक है, एंड हेंस इट जनरेट an error message, वो लिखता है प्रोटोटाइप नॉट डिफाइन, ऐसे करके एरर मैसेज आता है। इट जनरेट एन एरर मैसेज रिगार्डिंग योर यूडीएफ फंक्शन those are defined after kya main function, theek hai, okay, for eliminating this error and promote to compiler to search your UDF function
आफ्टर मेन, प्रोटोटाइप रिक्वायर्ड्स, किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग दोज फंक्शन। कहता है कि जिन फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और वो नीचे है मेन के, तो कहता है कि यूज कीजिएगा तो एरर आएगा, एरर ना है, इसको हटाना है, तो कहता है कि यूज करने के पहले उन सारे फंक्शन का क्या लिख दीजिए, प्रोटोटाइप लिख दीजिए। अब अगर पांच फंक्शन यूज कर रहे हैं तो कितना प्रोटोटाइप लिखेंगे? पांच फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो पांच प्रोटोटाइप लिखेंगे। यस सर, ठीक है। तीन यूज कर रहे हैं तो तीन लिखेंगे। तो कहता है कि प्रोटोटाइप लिख दीजिए, क्योंकि प्रोटोटाइप लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वो आपके प्रोग्राम में मेन के बाद भी फंक्शन को ढूंढना शुरू कर देगा। क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, अब इसका सिंटैक्टिकली ये होना चाहिए, जैसे एक सिंटेक्स, रफ सिंटेक्स इसका बता रहा है। सबसे पहले आप किसको डिफाइन करेंगे? मेन को, मेन फंक्शन को। और उसके अंत में क्या रहेगा? फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ। अरे मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, कोई भी नाम हो। यस सर, ऐसे ही रफ है। तो कहता है कि पहले इनको करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले डिक्लेयर करना होगा फंक्शन को, डीएफ वन का प्रोटोटाइप देना होगा। फिर यूडीएफ टू का प्रोटोटाइप देना होगा, और तब यूडीएफ वन को यूज करना होगा, और फिर यूडीएफ, समझ में आ रही बात? यस सर। यानी यूज के पहले क्या होना चाहिए? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप यही क्यों किए? यहां भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर अंदर किए तो लोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां कर रहे हैं तो इस प्रोटोटाइप को हम लोग क्या कहेंगे? लोकल, लोकल, लोकल प्रोटोटाइप। मतलब फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग यही है, फंक्शन यूज भी यही होगा, बाहर नहीं होगा, दूसरे फंक्शन में नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रोटोटाइपिंग आप यहां कर दें, ठीक है, अगर आप यूडीएफ वन की प्रोटोटाइपिंग यहां कर दें, यूडीएफ टू की प्रोटोटाइपिंग आप यहां कर दें, हम दोनों जगह लिख के समझा रहे हैं आप समझाने के लिए, तो ये जो प्रोटोटाइपिंग होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ग्लोबल, ग्लोबल। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये मेन भी यूज करेगा और भी कोई एक दूसरे को यूज करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो ये भी देखना होगा कि हमको प्रोटोटाइपिंग लोकल करना है कि क्या करना है, ग्लोबल करना, ग्लोबल। है लगे कोई ऐसा फंक्शन एक से ज्यादा फंक्शन के द्वारा यूज किया जाएगा तो उसको ग्लोबल बनाना होगा, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक। इस पे पहले एक एग्जांपल ले लें क्या झट से कोई, पहले दोनों समझने हैं उसके बाद लें। बोलिए, एग्जांपल ले लीजिए सर। सर एग्जांपल बताओ।
सबसे पहले क्या रहेगा, मेन रहेगा। मान लीजिए कि हम सो नाम का एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, किस नाम से? सो। अब यहां देखिए, हम सो को डायरेक्ट यहां से क्या कर लिए, कॉल किए, कॉल किए ना, यस, जानबूझ के एरर दे रहे हैं और यहां बना रहे हैं void show और इसमें लिख दे रहे हैं प्रिंट एफ। ठीक है, अब देखिए कंपाइल करा रहे हैं, क्या आ रहा है, एरर। क्या लिख रहा है, फंक्शन सो शुड हैव प्रोटोटाइप होना चाहिए, मतलब जा रहा है ऊपर स्टूडियो आया, कोनियों में मिल तो रहा नहीं है, वहां है कहां, ये तो है नीचे, इसका डेफिनेशन कहाँ है, नीचे नीचे, लेकिन ये जा रहा है बाय डिफॉल्ट कहाँ, ऊपर। ऊपर क्या है, ये स्टडी आयो और पता है कि इसको कॉल करने से पहले आप इसको क्या कीजिए, कंपाइलर को क्या समझा दीजिए, इसका प्रोटोटाइप। अब जैसे ही प्रोटोटाइप किए, कंपाइलेशन किए, जीरो हो गया, हो गया, यस सर, रन कराए, आ गया, आ गया, यस सर। सर प्रोटोटाइप जहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया उसके ऊपर भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ, अभी तो बताया है। तो अगर सिंगल फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो आप उसको लोकल बनाए या ग्लोबल बनाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? यस सर। अरे लोकल ग्लोबल का फर्क तो तब ना आएगा जब एक से फंक्शन हो। आप इसको अभी ग्लोबल वेटिंग रूम में उसको मेनी में यूज करना होगा ना। संभव, किसका क्वेश्चन है, संभव का? यस सर, क्लियर सर, हो गया, समझ क्लियर है ना? हाँ तो बोल दीजिए क्लियर, ना तो हमको लगेगा कि अभी भी दुविधा में रहिएगा। नहीं सर, जब आप सिंगल फंक्शन बना रहे हो तो लोकल डिक्लेरेशन, लोकल प्रोटोटाइपिंग, ग्लोबल प्रोटोटाइपिंग कोई मायने नहीं रखता, आपको जो मर्जी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप एक से ज्यादा फंक्शन बनाए, ठीक है, तब लोकल करना है कि ग्लोबल करना है, ये आपको डिटरमाइन करना होगा। और ये भी डिटरमाइन हम अपने मर्जी से नहीं करेंगे, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यस, हो सकता है कि सीखने के क्रम में हम कभी लोकल बना के कर लें, कभी ग्लोबल बना के कर लें, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस चीज को हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम क्या है और तो उसकी डिमांड कैसी है, कौन सा फंक्शन सिर्फ एक ही जगह यूज हो रहा है, कौन सा फंक्शन चार जगह यूज होने वाला है। तो जो एक जगह होने वाला है उसे लोकल बनाएंगे, जो चार जगह यूज होने वाला है उसे क्या बनाएंगे, ग्लोबल बनाएंगे, ग्लोबल, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लिए, इस लाइन को हटा रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, एरर। क्यों? क्योंकि कहां खोज रहा है इसको, ऊपर। और जैसे ही प्रोटोटाइपिंग दे दे रहे हैं तो कह रहा है कि ऊपर तो खोज ही रहो, नीचे भी जाके खोज लो, प्रोग्राम में भी खोज लो। तो प्रोग्राम में खोजा तो मिल गया, तो रन कर गया। क्लियर? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर, हो गया। तो आज रखते हैं इतना ही सेवा, हाँ, और बॉटम अप अप्रोच हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ओके सर, कल के क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके सर, और ओके सर।